नमस्कार दोस्तों, सुरताल हारमोनियम लेसन में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये मेरी 14th वीडियो है। पिछले लेसन में हमने 20 अलंकार बजाए, 3 थाट बिलावल, थाट कल्याण और थाट खमाद सीखा। थाट कल्याण में हमने मा तीव्र बजाया और थाट खमाज में हमने नी कोमल बजाया। तो जो 5 हम कोमल शुद्ध स्वरों के अलावा जो हम कोमल स्वर और तीव्र स्वर का रियाज के लिए हम ये सीख रहे हैं, इसमें हम अभी तक मा तीव्र और नी कोमल का रियाज कर चुके हैं। अभी रे कोमल, धा कोमल और ग कोमल, इनका रियाज बाकी है। आज का जो थाट है वो है थाट भैरव। आज की वीडियो में हम थाट भैरव सीखेंगे। थाट भैरव का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा दे देता हूँ। थाट भैरव में बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं, दो स्वर, रे कोमल लगता है और धा कोमल लगता है। दो स्वर, फिर से सुनिए, रे कोमल और धा कोमल। धा के एक पीछे वाला ये धा कोमल और ये रे के पीछे वाला एक ये रे कोमल। चलिए मैं थाट भैरव बजाता हूँ। देख सकते हैं आपके स्वर किस प्रकार से लग रहे हैं। थोड़ा सा रे को गंभीर करके गाना पड़ता है। मतलब देखिए, जैसे मैं गा रहा हूं, पहले हम रे गाते थे सा रे, अब गाएंगे सा रे थोड़ा सा नीचे का एक गले को थोड़ा सा हल्का सा नीचे करके गाना पड़ता है इन चीजों को। बहुत अच्छा थाट है। इससे जो थाट से राग भैरव बनता है, मेरा फेवरेट राग है। तो इसको थोड़ा सा इसी स्टाइल में गाए जैसे मैं गा रहा हूँ, थोड़ा सा उस पर जोर दे के। देखिए फिर से एक बार मैं सरगम बजा देता हूँ। उंगलियों को क्रम देख लीजिए आप। पहली उंगली से सा, सारे, अंगूठे से रे बजाएंगे सारे, फिर पहली उंगली गा पे आ जाएगी ग म प ध नी सा, ये उंगली का क्रम रहेगा। चलिए मैं इसी थाट में कुछ अलंकार बजा के दिखाता हूँ आपको। सारे सारे ग धनी धनी